खरगोन जिले के सनावद में किसानों द्वारा बेची गई मूंग और चने की फसल का भुगतान नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने मंडी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और कुछ किसानों ने चक्का जाम भी किया। किसानों ने मंडी के गेट पर ताला लगाकर मंडी सचिव को बंधक बना लिया। सूचना लगते ही SDM अनुकूल जैन, SDOP मानसिंह ठाकुर, TI ललित सिंह डांगोर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों की बात सुनी और मंडी सचिव BS परिवार को निर्देशित किया कि अथर्व एंटरप्राइजेस और गोरांस ट्रेडर्स खिलाफ FIR दर्ज करें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये कृषि उपज मंडी सनावत के एक व्यापारी द्वारा जो है ना करीब 2 से 3 करोड़ रुपये का हेरा फेरी का मामला सामने आया है कि तो उसने कृषि उपज खरीदते हुए किसानों का भुगतान नहीं किया है। उसके संबंध में किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा किसानों के साथ जो है खंडवा इंदौर रोड पर जो है चक्का जाम किया है, जैसा माननीय SDM अनुकूल जैन साहब और SDOP आदरणीय मानसिंह साहब और TI साहब सभी लोग तहसीलदार उपस्थित थे। सभी किसानों को संदेश दी गई और मंडी में बुलाकर सभी किसानों का जिनका भुगतान शेष रह गया है उनके सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। वो तो मंडी सचिव द्वारा जो है उस व्यापारी की आपराधिक प्रकरण दर्ज कर थाने पर सभी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये मामला तो बहुत पुराना है, अभी तक आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हुआ, क्या मामला है? ये मामला सर आज ही किसानों द्वारा जो है का मंडी में शिकायत की गई है, वो आज ही जब जैसे प्रकाश में आया है वैसे ही किसान संघ द्वारा जो है किसानों का धरना प्रदर्शन किया गया और आज ही प्रकाश में मामला आया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ। क्या नाम लिखते हैं सर? BS सेंगर, वरिष्ठ से प्रकाश अधिकारी। यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? हाँ, धरना प्रदर्शन किया है। क्या मामला है, किस संबंध में? मूंग और चने की जो हमने उपज पैदा की थी वो इस मंडी परिसर में हमारे किसानों ने लगभग 1 महीने पूर्व बेची थी यहाँ पर, जिसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ और मंडी सचिव को 15 रोज से डेली मंडी में आकर किसान सूचना दे रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अनुभागीय अधिकारी के कार्यालय के भी, तहसीलदार के कार्यालय के भी हमारे किसान चक्कर काट रहे हैं लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं निकला। मजबूरी में बोनी के समय में आज किसान को यहाँ मंडी में आके धरना देना पड़ा और धरने जब तक ये धरना चलता रहेगा तब तक किसान का ये मंडी बोर्ड पेमेंट नहीं करता। व्यापारी जाने और मंडी जाने, हमको तो मंडी से पेमेंट चाहिए। हमने कड़ी धूप में मूंग पैदा करा था और इतनी ठंड पड़ती थी कि बर्फ़ जैसी जम जाती थी, इस बर्फ़ में चना पैदा करा था। देश को पालने का काम, अन्न देने का काम, दूध देने का काम मेरा किसान करता है लेकिन आज मजबूरी ये हो गई कि उसका पेमेंट भी लेकर मंडी कर्मचारी और व्यापारी मिलजुल कर व्यापारी भाग गया और किसान इस मंडी के चक्कर काट रहा है। किसी स्थिति में समझौता नहीं करेंगे, गिरफ्तारी दे देंगे, गोली खा लेंगे लेकिन पेमेंट हमारा लेके इस गेट से जाएंगे धरती माता की। क्या नाम लिखते हैं? रामेश्वर गुजर, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, इंदौर संभाग महामंत्री। ओके, धन्यवाद। किसानों ने चक्का जाम भी किया था और आज बताया जा रहा है कि मंडी सचिव को बंधक बनाया है, क्या मामला है सर? ये अथर्व एंटरप्राइजेस फर्म है, एक व्यापारी, वो किसानों का करीब 200 किसान का भुगतान नहीं करते हुए माल लेके और भाग गए। लगभग कितनी राशि होगी? लगभग सर करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की लगभग की राशि है जो किसानों को देना थी वो नहीं थी, तो उस वजह से आज किसानों ने चक्का जाम नहीं करा है और अभी धरने पर भी मंडी में परिसर में बैठे हुए हैं। आगे इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अभी व्यापारी की FIR आज दर्ज करवा दी है और उसका जो भी मतलब माल रखा है जहाँ पर भी उसके इस्तेमाल से करेंगे और उस किसानों का भुगतान करेंगे। अभी किसानों ने जो कहा, ये जो बंधक बनाया है आपको, हाँ, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो किसानों का तो आक्रोश है, उनका किसानों का माल अगर पेमेंट नहीं मिला है तो उनमें गुस्सा है, गुस्से की वजह से उन्होंने बंधक बनाया है। आप प्रशासन की सेवा का मतलब पुलिस की सहायता ले रहे हैं? हाँ, प्रशासन पूरा सहयोग में है, पुलिस भी, भाषा तक अधिकारी भी, सभी सहयोग में है और सभी नहीं उपस्थित है मंडी में। हाँ, इस संबंध में आपसे कौन कौन से अधिकारियों से चर्चा हुई थी? SDM साहब से भी चर्चा हो चुकी है इस संबंध में और भाषा तक तहसीलदार साहब से भी चर्चा हो चुकी है और
थाने से एस डी ओ पी साहब भी आए हैं, सभी पुलिस स्टाफ भी सहयोग में है, सभी व्यापारी से भुगतान के लिए किसानों के लिए कोशिश में है। क्या नाम लिखते हैं? भगवान से परिहार, मंडी सचिव समाज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।